السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت يس سورة الفرقان आयत नंबर 58 इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तवक्कुल का ख़ास तौर से जिक्र फरमाया है और आज के इस दर्स में तवक्कुल कैसा होना चाहिए और किस पर होना चाहिए इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह कुछ देर गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तवक्कुल का माना क्या है। तवक्कुल कहते हैं अल एतमाद अल गैर फी अमर मा, किसी भी मामले में गैर पर दूसरे पर एतमाद करने का नाम तवक्कुल है और इसी को इस्तेलाही माना ये कहा जाता है सिर को एतमाद अल कल्ब अल्लाह फी इस्तिजलाब अल मसालि व दफ़ अल बज़ार मिन उमूर दुनिया वल आखिरा, दुनिया व आखरत के उमूर में जल्बे मनफात और दफे मजरत के बारे में सच्चे दिल से अल्लाह पर तवक्कुल करने का नाम एतमाद करने का नाम है तवक्कुल। तवक्कुल ये अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है और एक मुखलसीन की सादिकीन की इबादत है अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों और रसूलों और अपने मोमिन औलिया जितने हैं सबको तवक्कुल करने का हुक्म दिया है। जैसा कि मैंने सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 58 आपके सामने तलावत की है, देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वतवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत, उस हमेशा जिंदा रहने वाले पर तवक्कुल कर जिस पर कभी मौत नहीं है, जिस पर कभी मौत नहीं आ सकती है और उसकी तारीफ के साथ साथ पाकी बयान कर जो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो ऐसी जात है जो जिंदा रहने वाली है और हमेशा हमेशा वो जिंदा रहने वाला है अल्लाह तबारक व तआला, उस पर कभी मौत नहीं आ सकती। मौत तो दरकिनार, अल्लाह तबारक व तआला मौत से एक छोटी मौत जिसको कहते हैं मौत सुगरा कह लीजिए आप उसको, नींद को कहते हैं जो रात को लोग सोते हैं आराम करते हैं और नींद से भी एक मामूली चीज उंग है उसकी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफी फरमाई है। सूरह बकरा आयत नंबर 255 में एक अजीम शान और अफजल तरीन आयत है जिसको आयतल कुर्सी से लोग याद करते हैं। आयतल कुर्सी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको ना ऊंग आती है ना नींद आती है। अल्लाहु अकबर, जिसको ना नींद आए ना ऊंग आए और जो कभी मर नहीं सकता, जिस पर कभी मौत नहीं आ सकती है, वो हमेशा जिंदा रहने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसी जात पर हर एक का तवक्कुल होना चाहिए जो हर वक्त आपकी जरूरत आपकी परेशानी आपकी फरियाद सुन सकता है। दुनिया का मामला देखिए, यहाँ कोई बड़ा आदमी है, कोई नेता है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई डीसी है, कोई एसपी है, कोई धन दौलत वाले हैं, आप जिस पर तवक्कुल करना चाहते हैं उनसे अपनी फरियाद रखने के लिए वक्त है। रात में नहीं मिल सकते हैं, सुबह इतना बजे से पहले आप उनके पास जा नहीं सकते हैं, आपकी फरियाद पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के पास अपनी फरियाद रखने के लिए कोई वक्त नहीं है, न रात में न दिन में,
24 घंटे में किसी भी वक्त अल्लाह तबारक व तआला से आप अपने फरियाद कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व तवक्कल अल हय अल्लज़ी ला यमूत, उस हमेशा जिंदा रहने वाले पर आप तवक्कुल करो जिस पर मौत नहीं है, जिस पर मौत आ नहीं सकती है। ठीक उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह सूरह शूरा आयत नंबर 217 में फरमाता है व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, गालिब और मेहरबान जो है उस पर तवक्कुल करो जो तुमको देखता है जब तू खड़ा होता है और सजदा करने वालों में जब तेरा उलट पलट होता है, घूमना फिरना होता है, उस चीज को भी वो देखता है और वो आपकी एक एक चीज को, आहट को सुनने वाला और जानने वाला है। तो जो आपकी एक एक चीज से सुनकर और इल्म के जरिए से बाखबर हो सकता है, हमें चाहिए कि उसी पर हमारा तवक्कुल होना चाहिए। कुराने मजीद के अंदर आप देखिए 7 मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान से कहा कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल करो। وَعَلَى اللَّهِ مومنون को चाहिए, अहले ईमान को चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ही पर तवक्कुल करे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जरा सरसरी तौर पर कि तवक्कुल अब कैसा होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। तवक्कुल असबाब इख्तियार करके ही तवक्कुल होता है, असबाब इख्तियार करने के मनाफी नहीं है तवक्कुल। आप इस चीज को समझने के लिए तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस सुनिए जो सही हदीस है। इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को सही करार दिया है। रावी हदीस अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कहते हैं अनस बिन मालिक अन्नहु قال قال رجل يا رسول الله اخلها واتوكل واطلقها واتوكل لناقتي فقال صلى الله عليه وسلم اقلها وتوكل। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं इस ऊंटनी को छोड़कर अल्लाह पर तवक्कुल करूं या इसको बांध करके तवक्कुल करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसको बांध लो, उसको महफूज कर लो, उसको सेव कर लो, उसके बाद तुम तवक्कुल करो। उसको छोड़ करके तवक्कुल नहीं हो सकता है, उसको पहले अपने कैप्चर में कर लो, अपने कब्जा में कर लो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि तवक्कुल असबाब इख्तियार करके ही होता है, असबाब इख्तियार करने के मनाफी का नाम तवक्कुल नहीं है। आपको मैं मजीद दो बात बताना चाहूंगा कि जिस पर हमारा और आपका तवक्कुल हो वो चीज कितने ही ज़ईफ और कमजोर फी नफ्सी क्यों ना हो, वो अपने आप में कितना ही कमजोर हो, आप उस पर तवक्कुल कीजिए। आपको अकीदा है, आपको ईमान है, यकीन है कि जिस चीज पर हमारा जिस चीज का हम एहतमाम कर रहे हैं, अफ़ज़ कर रहे हैं, सही माना में उस पर हमारा तवक्कुल नहीं है, बल्कि इसके इसका तवक्कुल हमारा दरहकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। ये महज एक सबब है, एक जरिया है। देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने लागर थे, अपनी बीमारी की वजह से कितना कमजोर हो गए थे। इतनी कमजोरी के आलम में रब्बे जुल्जलाल हुक्म देता है, उर्कुज़ बेरिजलिक, अपनी एड़ी को, अपने पांव को जमीन पर मारो, वो जमीन फट जाएगी, पानी का चश्मा उबल पड़ेगा। अब अंदाजा लगाइए, लागर और कमजोर आदमी को एड़ी मारना ये तो दूर की बात है, एक इंतहाई मजबूत तरीन और ताकतवर इंसान भी अपना पांव जमीन पे मारेगा, ना जमीन फाड़ सकता है, ना जमीन उसकी एड़ी से फट सकती है, ना पानी का चश्मा निकल सकता है। लेकिन एक कमजोर इंसान से जो काफी अरसा से बीमार पड़ा हुआ है, उससे कहा जा रहा है कि अपना पांव को तुम मारो और जमीन से पानी का चश्मा उबल पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी है। ठीक इसी तरह से हमारी माँ बहनों को चाहिए कि वो भी तवक्कुल का जरा नमूना सीखे, दरअसल माँ मरियम अलैहिस्सलाम से कि जब उनसे बच्चा तवल्लुद हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ,
हर माँ को इस बात का इल्म है कि जब माँ बच्चा जन्मती है, बच्चा जन्मने के फौरन बाद उसको कितनी कमजोरी लाहिक होती है, उसकी ताकत सल्ब किस तरह से हो जाती है और उन्हें भूख की शिद्दत का एहसास किस तरह से होता है, हर माँ को इस बात का इल्म है। बावजूद इसके एक खातून मरियम अलैहिस्सलाम बच्चा जन्मने के बाद जो अपने आप में बैठने पर कादिर नहीं हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हुक्म दे रहा है मरियम इस तरह से बैठे रहने से तेरी भूख दूर नहीं हो सकती है, तेरे अंदर जिस्मानी ताकत और कुव्वत नहीं आ सकती है, उठो और जाओ उस दरख्त के पास और उस दरख्त को तुम झिझोड़ो, उसको हिलाओ, उसको देखना वो दरख्त हिल जाएगी। अब बताइए, एक तो अच्छी औरत को अगर खजूर का दरख्त हिलाने के लिए कहा जाए वो हिला नहीं सकती है, ना उससे वो दरख्त हिल सकता है, और उतनी कमजोरी के आलम उनसे कहा जा रहा है और वो जाके जैसे ही उसको हिलाना चाहती है वो पेड़ और दरख्त हिलने लगता है और फिर उससे तरोताजा खजूर उसके ऊपर बरसने लगती है और खा पी करके वो शकम शेर होती है, उसके अंदर ताकत आती है। तो वो अपने आप में नहीं कमजोर क्यों ना हो लेकिन उस पर तवाकुल करके वो काम करना चाहिए, वो सबब इख्तियार करना चाहिए और ये अकीदा होना चाहिए कि हमारे इस फेल से ये सब नहीं हो रहा है बल्कि इसका करने वाला जो मुसब्बिबुल असबाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के इंगित उसी के इशारा से ये सारा काम हो रहा है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों अजीजों ये चीज और समझ लीजिए कि जिस चीज को आप तवाकुल में इस्तेमाल कर रहे हैं, सबब बना रहे हैं, जरिया बना रहे हैं, वो भी कितना ही मामूली क्यों ना हो लेकिन आप अगर उसको इख्तियार कर लेते हैं तो मुसब्बिबुल असबाब आकर के वही कमजोर और वही हकीर मामूली चीज बड़ी बड़ी ताकत चीज को रोक देती है और उसका असर होने नहीं देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखिए कि नमरूद बादशाह ने जब उनको आग में डाल दिया तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, हस्बुनल्लाह निअमल वकील, अल्लाह तबारक व ताला बेहतर कारसाज है, गैबी मदद की और आग का काम था जलाना और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम था जलना, लेकिन जलाना और जलने के दरमियान अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म आकर के हाइल हो गया और फिर क्या हुआ, वो आग जला नहीं सकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाल बाल बच गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हीं के फर्जंद है, उनकी भी मिसाल ले लीजिए आप, वो भी हमारे लिए एक नमूना है कि उनके गर्दन पे छुरी चल रही है और ये छुरी काट नहीं रही है, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन कट नहीं रही है, क्यों, इसलिए कि दोनों के दरमियान अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म आकर के हाइल हो गया, ऐ छुरी हरगिज इस गर्दन को तू काट नहीं सकती है, ऐ गर्दन ये छुरी जैसे तुझको ना काट दे, अल्लाह का हुक्म आकर के बीच में हाइल हो गया और फिर जो है छुरी से उनको कामयाबी नहीं मिली और फिर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम बाल बालों भी बच गए। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों अजीजों अल्लाह पर तवक्कुल करने की बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को देखिए कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किए तो कितनी उनको घबराहट हुई कि फिरौन का अगर पता लग जाएगा तो मेरे बेटा को वो कत्ल कर देगा, जान से मार डालेगा, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रही थी, घबरा रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, सूरह सात की आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हां सूरह कसस की आयत है, कहा फैजा खिफ्ते अलैहि फल फलकैति फिल यमी, ए मूसा की माँ अगर तुझे मूसा पर डर लग रहा है तो अपने घर में उसको मत रख, दरिया में उसको डाल दे, तेरा काम दरिया में डालना है, मूसा को बचाना जिंदा रखना ये अल्लाह तबारक व ताला का काम है। देखो कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से बच रहे हैं और उनको हयात कैसे मिल रही है। तो मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों और मेरी माँ और बहनों, हजरत हाजरा की भी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माँ हाजरा को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ब्याब गया रेगिस्तान में छोड़ करके जा रहे थे और हाजरा बार बार आवाज दे रही थी, ए इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं हम दोनों माँ बेटा को यहाँ छोड़ करके, ना कोई मकान दिख रहा है, ना कोई दरख्त नजर आ रहा है, ना कोई आदमी नजर आ रहा है,
ना यहाँ खाने पीने का कोई सामान है, ऐसी जगह हमको छोड़ करके आप जा रहे हैं, आखिर हम क्या कर सकते हैं और हम जिंदा कैसे रह सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार आवाज सुन करके जब मुड़ करके नहीं देखे तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा इब्राहिम कम से कम इतना तो बता करके आप जाइए, क्या ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं या अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कर रहे हैं। बस इस सवाल के जवाब में श्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी मर्जी और इख्तियार से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं ऐसा कर रहा हूँ। हजरा को देखिए फौरन अल्लाह पर तवक्कुल हो गया, इब्राहिम अगर अल्लाह के हुक्म से आप छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे अल्लाह की जात पर ईमान है वो अल्लाह हम दोनों माँ बेटा को हलाक नहीं करेगा, जाया और बर्बाद नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलाम को देखिए एक दुश्मन तलवार कब्जा करके अल्लाह के नबी से कहने लगा, मैं अमनाओं का मिन्नी, ए मोहम्मद आप बताओ मेरे हाथ से तुझको कौन बचा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मुझे 40 मर्द के बराबर अकेले ताकत है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि इस जगह और भी मेरे साथ बहुत बड़ा लश्कर है, सहाबाए किराम की बहुत बड़ी तादाद है। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी ताकत का हवाला दिया ना लश्कर का हवाला दिया, कहा मुझे बचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। दुश्मन के हाथ से तलवार गिर जाती, नबी अलैहिस्सलाम बच जाते हैं। तो अल्लाह पर हमारा तवक्कुल होना ये बहुत बड़ी चीज है और ये चंद मिसालें मैंने आपको बताई है, इससे हमको आपको सबक मिलेगा, नसीहत मिलेगी कि सही माना में अल्लाह तबारक व ताला पर हमारा तवक्कुल कैसा होना चाहिए। मैं एक हदीस बता करके बात खत्म कर देता हूँ, आपको बात अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगी। ये हदीस भी तिर्मिजी शरीफ की है, इमाम अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे भी सही करार दिया है, तवक्कुल ही से मुतालिक है। रावी हदीस उमर बिन खत्ताब رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کہتے ہیں لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر تم لوگ اللہ پر توکل اس طرح سے کرو گے جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے تو یقین مانو तुमको उसी तरह से रिस्क दिया जाएगा जिस तरह से परिंदों और चिड़ियों को रोजी दी जा रही है। परिंदों और चिड़ियों को आप देखो तगदो खमासा, सुबह सवेरे भूखे खाली पेट अपने घोंसले से निकल करके कहां से कहां चलती रहती है और दाना चुग चुग करके अपना पेट भर के तरो खमासा की बताना पेट भर करके सकम शेर होकर के शाम को तक वापस लौटते हैं। तो इस चिड़िये को इन परिंदों को जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला महज तवक्कुल के बुनियाद पर रिस्क देता है, हम तमाम को उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिस्क देने का वादा किया है, लेकिन हमारा तवक्कुल सही माना में इसी तरह होना चाहिए जैसे परिंदों का तवक्कुल है। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, उनके घर में दानों का और अनाज का कोई जखीरा खजाना नहीं होता है कि आज खा लिए तो कल का भी इंतजाम कर लो, एक महीने का कर लो, एक साल का कर लो, रोज अल्लाह तबारक व तआला हमको दो अता करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदगार आलम हम जहां कहीं भी रहेंगे मुसीबत में, परेशानी में, सफर में, हजर में, तिजारत के मामले में, इबादत के मामले में, हम कमा हक हो तुझ पर एतमाद करके तवक्कुल करके अपने मसाइल हल कर सके, इसकी तौफीक अता फरमा। आमीन। तकब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम।